वेलकम ड्रीम अब्रॉड कंसल्टेंट की तरफ से एकदम फिर खुश आमदीद। हमारी नई प्रोडक्ट्स की वीडियो सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे MBBS से रिलेटेड कि MBBS के कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और फिर उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा फीजिबल लगता है। MBBS का आपको प्रोसेस पता है कि पाकिस्तान अगर आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपने मेडिसिन करनी है तो उसके लिए आपको MD CAT में अपीयर होना है, देन उसके बाद आपको मेरिटेड करना पड़ता है, विच इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और पाकिस्तान में मेरिट नहीं हिट कर पाते हैं क्योंकि सीट्स भी लिमिटेड होती हैं और थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे होते हैं MD CAT में। इस वजह से स्टूडेंट्स फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि भाई उन्होंने बाहर कहीं जाके पढ़ना है तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इजिप्ट है, ईरान है, जहां पर आप जा सकते हैं। PMC ने दो लिस्ट जारी की हैं, लिस्ट वन ऑफ द कंट्रीज एंड लिस्ट टू ऑफ द कंट्रीज। तो लिस्ट टू ऑफ द कंट्रीज, लिस्ट वन में जो है वो तो सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसमें UK, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, USA वगैरह अवेलेबल है। लिस्ट टू कंट्रीज में आपको देखना पड़ेगा कि आपने किस में जाना है। उसमें इजिप्ट हमारे पास अवेलेबल है और ईरान अवेलेबल है। इजिप्ट की जो फी है पर ईयर वो तकरीबन $6,000 से स्टार्ट हो रही है, मतलब पर सेमेस्टर $3,000। लेकिन ईरान में आपके पास चांसेस ये हैं कि वहाँ पर मिनिमम फीस जो हमारे पास अवेलेबल है $1,000 है पर सेमेस्टर, सो एनुअल $2,000 हो गए। बहुत किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो वहाँ पर मैक्सिमम जो आपकी फीस हो जाएगी वो तकरीबन $2,000 या $2,500 पर सेमेस्टर हो जाएगी, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल एक्सपेंसिस और इंक्लूडिंग योर फूड एक्सपेंसिस ऑफ वन सेमेस्टर। तो इस वजह से ईरान एक ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि जो कि बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। फिर उसमें कोई बैंक स्टेटमेंट है वगैरह कुछ नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आयल्स टॉफल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई वीज़ा में हमें हर्डल नहीं है कि भैया वीज़ा वतनी स्टूडेंट का इशू होगा या नहीं होगा। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और जो स्टडीज़ हैं वो अप टू द मार्क हैं। अगर आप वहाँ पर उनकी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर अगर आप उनको देखें कि उनका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है या फिर उनकी अगर आप रैंकिंग चेक करें तो वो टॉप 300, टॉप 400, टॉप 700 इन दी वर्ल्ड आ रही हैं। और अगर आप अपनी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बात करें तो ये एट प्रेजेंट तकरीबन 6,000 कुछ रैंकिंग पर मौजूद है इन दी वर्ल्ड। तो पाकिस्तानी बेस्ट यूनिवर्सिटी 6,000 कुछ भी है और वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी तकरीबन 600 to 700 इन दी वर्ल्ड रैंकिंग में आ रही है। सो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन जाती है उन पाकिस्तानियों के लिए, उन बच्चों बच्चियों के लिए जो कि बाहर मेडिसिन या डेंटिस्ट्री की डिग्री हासिल करना चाहते हैं। जो ये सारा इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है, MBBS भी आपके पास मौजूद है यहाँ पर और MD भी मौजूद है। MD का कोर्स 5.5 साल का और प्लस 1.5 ईयर्स की इंटर्नशिप, सो टोटल 7 ईयर्स का आपका बन जाता है। जो आपका MBBS का कोर्स है वो 5 ईयर्स का कोर्स और 1 ईयर उसकी इंटर्नशिप, सो वो टोटल 6 ईयर्स का बन जाता है। PMC ने जो अप्रूव किया है वो उनका MD कोर्स अप्रूव किया हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पर जाके एडमिशन लेना चाहते हैं, वो जो आपको नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो उनको पैकेज वगैरह शेयर कर दिया जाएगा। अभी जनवरी इनटेक उनका ओपन है, सितंबर इनटेक उनका क्लोज हो चुका है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।